तो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था बताओ, हार्वेस्टिंग के पहले पहले। एक रिवीजन अगर आप करना चाहो तो आराम से इसको कर लेना। मुश्किल से 35 से 40 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। जरा मैं 1 मिनट में करा देता हूँ, आपको अंडरलाइन किया हुआ है सारे अभी, तो अभी अपन रिवीजन कर लेंगे फास्ट, नहीं तो कल हो नहीं पाएगा। चलो देखो आप जल्दी जल्दी से। मैंने क्या किया, एप्पल का फ्रूट दिखाया आपको, एप्पल, पियर, ये सब सारे पॉइंट, प्लम, आलू बुखारा, देखो इसमें से इस तरह से आएगा तो ड्रूप, उसके भी फल प्रकार क्या कहलाएगा, ड्रूप। ये चेरी है, ये क्या है, आलमोंड, इसमें भी क्या कहलाएगा, ये ड्रूप। सभी का क्या है, ड्रूप। वॉलनट में भी क्या आ रहा है, ड्रूप। एप्रिकॉट में क्या आएगा, ड्रूप। सब में क्या आ रहा है, ड्रूप। क्विंस आपको दिखा दिया हूं, ये कहलाएगा, इसका थैलेमस हम खाते हैं, नाशपाती के जैसा दिख रहा है, फल प्रकार इसका होगा पोम। साइंटिफिक नेम आप याद कर लेना, इन सभी की गुणसूत्रों की संख्या 34 और यहाँ पे क्या है 32। फैमिली क्या है, रोजेसी। तीन का फल प्रकार पोम है और बाकी सबका क्या मैंने बताया था, ड्रूप। एप्रिकॉट रोजेसी है और ड्रूप। वॉलनट की फैमिली इंपॉर्टेंट है, जगलनडेसी। कौन सा याद रखोगे, जगलनडेसी। एप्पल की अगर बात करूं तो इसमें चिलिंग ट्रीटमेंट हम देंगे। दूसरा इसका साइंटिफिक नेम मेलस डोमेस्टिका, फैमिली रोजेसी। ओरिजिन की बात करें एशिया माइनर या वेस्टर्न हिमालय, ज्यादातर ये आते हैं वेस्टर्न हिमालय। फल प्रकार की बात करें पोम, 2n की संख्या इसका होगा 34 और 3 ट्रिप्लॉइड होगा तो उसका होगा 51। इडेबल पार्ट की बात करें तो कौन सा भाग खाते हैं, थैलेमस खाते हैं, इसमें टी शेप संबंधित है। फर्स्ट रैंक प्रोडक्शन में जम्मू एंड कश्मीर है। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहते हैं एप्पल। बॉल किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। एवरेज जो टेम्परेचर आएगा 21 से कितना रखेंगे अपन, 24 डिग्री के आसपास रखते हैं। ये सारा पॉइंट प्रोपगेशन, टंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रूनिंग और ट्रेनिंग इसमें करेंगे, क्योंकि ये डेसिडुअस फ्रूट होता है, इसमें डोरमेंसी पाए जाएंगे और डोरमेंसी को तोड़ने के लिए चिलिंग ट्रीटमेंट करते हैं 10 डिग्री से कम तापमान तक। सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट जो भारत का रीजन होता है वहां एप्पल की कल्टीवेशन होते हैं। कौन सा राज्य इसमें प्रमुख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। जलवायु से बात किया जाए तो 1000 से 1500 आवर आपको चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, सर्दियों में चाहिए, 60 डिग्री से कम तापमान पे चाहिए। इसका मेन फायदा क्या है, डोरमेंसी को ब्रेक करने में यूजफुल है। पीएच की बात करें तो 5.5 से 6.5 डिग्री इसका हम पीएच रखने वाले हैं। प्रोपगेशन यहां लिख दिया हूं, क्लोनल रूट स्टॉक स्टूलिंग माउल्ड लेयरिंग के द्वारा। कल्टीवेशन अगर एप्पल का करोगे तो टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा। रूट स्टॉक जो सीडलिंग के द्वारा लगाते हैं, जिसको हम सीडलिंग रूट स्टॉक कहेंगे, और उसमें हमने याद कराया था क्रेब एप्पल। कौन सा एप्पल, क्रेब एप्पल। फरवरी मार्च का महीना है टंग के लिए। प्रोपगेशन में यहां बता दिया 4 से 7 डिग्री यूज करेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन एम क्या होता है, सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब ये एप्पल की सारी पॉइंट। रूट स्टॉक की बात करें, क्लोनल रूट स्टॉक दो सीरीज मैंने बताया था, एक तो एमएम सीरीज और दूसरा एम सीरीज, ठीक है, एमएम सीरीज और एम सीरीज। सबसे ड्वार्फ की बात करें, अल्ट्रा ड्वार्फ में कौन है, M27। ड्वार्फ में बात किया M9 और M26, और वीगर की बात किया था तो M25, ठीक है। यहां से आप रूट स्टॉक सबसे ज्यादा मोस्ट विंटर हार्डी कौन होता है तो वो याद रख लेना, MM104 कौन था। सीडलिंग में क्रेव एप्पल की बात किया था तो मोस्ट कॉमन यूज होता है कहां, इंडिया में। EMLA जो सीरीज है, ईस्ट मेलिंग लॉन्ग स्टोन जो सीरीज है, ये रेसिस्टेंट है किसके लिए, वायरस के लिए। अगला हमने प्लांटिंग की बात किया तो दिसंबर और जनवरी में अर्ली प्लांटिंग करते हैं। अगर दूरी की बात करें तो 6 से 7 मीटर दूरी अपनाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग की 4 कैटेगरी हमने बताया, प्लांट के पॉपुलेशन के आधार पे प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है सुपर हाई डेंसिटी, जिसे हम मीडो ऑर्चेडिंग के नाम से जानते हैं, और जिसमें प्लांट पॉपुलेशन 20,000 से 70,000 प्लांट होते हैं। किसी ट्री की साइज को कंट्रोल करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं रूट स्टॉक, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, केमिकल एप्लीकेशन और स्पोर टाइप वेराइटी का हम उपयोग करते हैं। दो तरह की वेराइटी की बात करेंगे, स्टैंडर्ड थोड़ा सा लंबा होगा जिसकी साइज स्पेसिंग हम ज्यादा रखेंगे, और नेक्स्ट जो वेराइटी स्पोर टाइप, इसमें हम साइज क्या रखेंगे, कम रखेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेनिंग, तो कौन सा मेथड अपनाते हैं? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम हम ट्रेनिंग अपनाते हैं। फर्टिलाइजर जो हम यूज करेंगे, दिसंबर जनवरी नहीं भी लिखोगे आप चलेगा इस पॉइंट को। फ्रूट ड्रॉप की बात करें, तीन तरह के फूल फलों का गिरना, अर्ली ड्रॉप होगा, जून ड्रॉप होगा मॉइस्चर की कमी के कारण। प्राकृतिक रूप में कौन होता है अर्ली ड्रॉप? देखो इस तरह से छोटे छोटे फल गिर जाए, फिर ये कौन हो गया? जून ड्रॉप, नमी के कारण जो ड्रॉप होती है जून ड्रॉप। और तुड़ाई से पहले जो तोड़ते हैं, जिसमें इकोनॉमिक लॉस सबसे ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं प्री हार्वेस्ट। एग्जाम में पूछता है कि जून ड्रॉप किससे संबंधित है, तो आप टिक कर दोगे एप्पल से संबंधित है, कौन सा ड्रॉप जिसका नाम है जून ड्रॉप। मैंगो से भी संबंधित कौन सा है, वो भी है जून ड्रॉप, लेकिन एग्जाम में पूछेगा आपको एप्पल। कौन पूछेगा? एप्पल। इरिगेशन में वाटर रिक्वायरमेंट कब सबसे ज्यादा होते हैं? अप्रैल से अगस्त का महीना में। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे मेरे डियर, वो करेंगे हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो किसी सेब को पहचानने के लिए कि कब परिपक्व हो गया, तो इसकी पत्ती जो होगी वो कौन सा अवस्था पे आ जाएगी? टी स्टेज पे। पहला पॉइंट ये कि टी स्टेज हार्वेस्टिंग किससे संबंधित है, तो वो है संबंधित एप्पल से। किससे है बताओ? एप्पल से। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए, पहला बिंदु जो आपको लिखना है यहां पे, दूसरा पूछेगा कि एप्पल में करते हैं प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का मतलब होता है किसी फील्ड से अगर आपने सेब को तोड़ा, तो फील्ड में इसमें क्या है बताओ? हीट। क्या है उसमें? उष्मा है। फील्ड की जो उष्मा है उसको लॉस करने के लिए, उष्मा का ह्रास करने के लिए हम क्या करते हैं? प्री कूलिंग। तो इसको हम क्या करेंगे? वाटर ट्रीटमेंट कर दोगे, पानी के द्वारा उपचारित करो, या तो इस पे हवा चला दो। जैसे मान लिया जाए बाहर से आप आते हो, आपको गर्मी लग रहा है, तो इसी तरह से इस सेब को पानी में नहला दिया गया, तो इसको हम बोलते हैं इसकी गर्मी को निकालना। गर्मी को निकालना यानी कि गर्मी को निकालना क्विक रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। कोई एग्जाम में पूछ ले कि बताओ भाई प्री कूलिंग क्या है, तो रिमूवल ऑफ क्या है? फील्ड हीट। गर्मी को क्या करना है? निकालना। हिंदी में लिख दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, गर्मी को निकालना, उष्मा को निकालना, क्या कहलाता है? प्री कूलिंग। अगला, प्री कूलिंग के बाद जीआरएफ एग्जाम में यह पूछा गया है कि एप्पल की कितने प्रकार की ग्रेडिंग किया जाता है, तो साइज के आधार पे इसके कितने ग्रेडिंग सैंपल है? 6। केवल याद रखना कि साइज के आधार पे एप्पल को कितने ग्रेड में भाग बांटा गया? 6। ये तो मैं कई तरह के आपको वैरायटी दिखाया हूं, कुछ वैरायटी का आपको नाम यहां से बता देता हूं। जैसे ये नाम है गोल्डन डिलीशियस। क्या नाम है डियर? गोल्डन डेलिशियस। तो आपको कुछ वेराइटी मैं यहीं से समझा देता हूं, गोल्डन डेलिशियस। अगला जो है रेड डेलिशियस, ऐसा वेराइटी आप देखे होंगे एकदम खूनी लाल, रेड डेलिशियस। कौन सी वेराइटी है? रेड डेलिशियस। मैकक्लिंटॉस ये भी आएगा, बहुत जगह आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। पेसिफिक रोज ये भी आते हैं, पेसिफिक रोज, पेसिफिक रोज। अगला इसमें ग्रेनी स्मिथ छोड़ देना, फ्यूजी, एक ये भी नाम आते हैं फ्यूजी, FUGI, फ्यूजी। ये ऊपर वाले क्या नाम है? फ्यूजी। जिंजर गोल्ड, जोनाथन, जोनाथन ये इंपॉर्टेंट। जो हर एक तरह के वैरायटी है ना, इसको इंग्लिश वैरायटी के नाम से जानते हैं। कौन सा वैरायटी बोलोगे आज के बाद? इसको हम बोलेंगे इंग्लिश वैरायटी। कौन सा वैरायटी? तो कई तरह के आप सेब देख रहे हो, बाकी सेब की वैरायटी में पूछो मत कितने वैरायटी है, सही है ना? कई सारे वैरायटी आपने को, तो दो तीन नाम याद रखना है, गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस, मैकक्लिंटॉस, पेसिफिक रोज, ये सब नाम याद रख लेना। कई सारे हम वैरायटी आपको दिखा रहे हैं, साइज के आधार पे इसको हम क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे। बस अब आ जाते हैं प्रैक्टिसेस इसका, कौन? पैकेजिंग। कौन सी प्रैक्टिसेस बात करेंगे? पैकेजिंग। देखो अगर इस तरह के कार्टून हो तो उसको पहला नाम पढ़ लो, कॉरूगेटेड फाइबर बोर्ड कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा एप्पल को किसमें पैक करके लाते हैं, तो ये नाम याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना इसे। क्या बोलोगे? फिर से बोलो, कॉरूगेटेड फाइबर बोर्ड। ये वाले बोर्ड जो ऐसे आते हैं ना,
इसको हम क्या बोलेंगे, कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड। इस तरह से आते हैं एप्पल पाई कुक होके, देखो हिमाचल प्रदेश का एप्पल है ऐसे। इसी के दो भाई है, कोई एप्पल ऐसे पैक करके देगा कोई एप्पल, लेकिन ये याद रखना है कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड, बाकी कुछ मत याद रख लेना। अब कभी कभी एग्जाम में ना, हम लोग तो जेआरएफ में ये भी याद रखते थे, इस बोर्ड की साइज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड, और ये इसकी डायमेंशन भी इसका डब्बे का। पर तुम छोड़ देना इसको, केवल क्या याद रखना, किसमें पैकेज होता है बताओ, कॉरुगेटेड फाइबर में पैक करते हैं, बस छोड़ देना। स्टोरेज, भंडारण, तो मैंने आपको याद कराया था टेम्परेट फ्रूट का भंडारण कितने डिग्री पे करते हैं, 0 से लेकर 1 डिग्री के आसपास, सही है चलेगा, यहां तो माइनस दे दिया ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90%, 85-90 ये चलेगा। अब यहां पे एक वेराइटी है बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हो इसका नाम क्या है, अंबरी। और ये जो अंबरी वेराइटी है ये है इंडिजीनस। क्या है ये इंडिजीनस का मतलब समझते हो, इसकी उत्पत्ति कहां हुआ है, इंडिया में हुआ है, और वो भी ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है कश्मीर की। कहां की है वेराइटी बताओ, कश्मीर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, हमारे जेआरएफ में आया हुआ था कि अंबरी क्या है, तो अंबरी कहां है, इंडिजीनस भारत की वेराइटी है, कहां की फेमस वेराइटी है, कश्मीर की, और इसका सबसे ज्यादा स्टोरेज लाइफ है। भंडारण की लाइफ अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा जानते हो किसका है, अंबरी की। किसकी है, अंबरी का, तो ध्यान रखना। लेकिन जब भंडारण करते हैं ना तो एक इसमें विकार भी लगते हैं, डिसऑर्डर लगता है, इसका नाम है स्केल्ड। कौन सा है बताओ, ये इमेज आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है, SCALD, स्केल्ड। ये पूछा जाए ये कैसा विकार है भाई, तो ये स्टोरेज डिसऑर्डर है। कैसा है बताओ, स्टोरेज, यानी भंडारण में लगने वाला डिसऑर्डर का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, स्केल्ड। क्या है, स्केल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट। सेब ऐसा हो जाएगा, भंडारित करोगे देखा होगा सेब में ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्केल्ड। अंबरी याद रखना, स्केल्ड याद रखना, भंडारण 0 डिग्री, 3 पॉइंट यहां से, तीनों स्टार, 1, 2 और कौन है, 3। चलो अब आ जाओ स्टोरेज का तीनों पॉइंट। अब भाई साहब वेराइटी, या तो ऐसा करो इसको पढ़ो ही मत, वेराइटी क्या करना, छोड़ देना, या तो 5-10 गुरुजी अंडरलाइन करा दो कि भाई उतना तो लिख लूंगा। अब इसमें है अर्ली वेराइटी, तो मैंने बोला कि 3 राज्य तो याद रखना है, कौन कौन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, करोगे। अब इसमें से एक जम्मू कश्मीर की अर्ली वेराइटी याद रखना, जिसका नाम है आयरिश पीच। क्या नाम है बताओ, आयरिश पीच। और दूसरा याद रखेंगे यहां पे फैनी। अर्ली में 2 याद रह गए, कौन कौन, आयरिश पीच और कौन है, फैनी। अब हम बात करेंगे मध्यम वेराइटी, मध्य, इसका वेराइटी आप याद नहीं करोगे चलेगा, कौन कौन, पहला रेड डेलिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी, रेड चिप, लग रहा है जूता है ये, रेड चिप इंपॉर्टेंट, कौन सा आ गया, वाह, रेड स्पोर याद रख सकते हो, रेड गोल्ड, रेड गोल्ड यहां भी है, रेड गोल्ड, जोनाथन इंपॉर्टेंट, गोल्डन डेलिशियस, मैकक्लिंटॉस, कॉर्टलैंड, यह भी आपको दिखाया। और जहां जहां पी लिखा है ना, पी का मतलब होता है, ये वेराइटी है पोलिनाइजर वेराइटी। पोलिनाइजर वेराइटी समझते हो, ऐसी वेराइटी जो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, पोलन ग्रेन। ब्रीडिंग में आपको पढ़ाते होंगे कि मेल के लिए यूज होने वाला वेराइटी 2 पोलिनाइजर होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, वहां वहां पी लिख दिया। बाकी बहुत सारे वेराइटी आप छोड़ देना, 5-7 वेराइटी लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। लेट वेराइटी में 1-2 याद करा देता हूं, लाल अंबरी अभी मैंने बोला कहां है, जम्मू एंड कश्मीर का। लेट वेराइटी में एलो न्यूटन एक वेराइटी, ये याद रख लेना। विंटर बनाना याद रख लेना, कई बार आता है विंटर बनाना, किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो ये है सेब की। किसकी है, एलो न्यूटन, विंटर बनाना और राइमर, ये कौन है, राइमर। राइमर इंपॉर्टेंट वेराइटी इसकी भी है, जम्मू एंड कश्मीर, राइमर यहां भी होते हैं, राइमर यहां भी होता है राइमर। अब आ जाओ यहां से,
हाई कलरिंग एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी। अब देखो दो तरह के वेराइटी मैंने आपको बताया था, एक तो पढ़ेंगे स्पोर टाइप और एक क्या पढ़ोगे स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट। अब यहां पे याद रखना स्टार 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 है, स्टार क्रिमसॉन, रेड चिप, गोल्डन स्पोर, ये किस टाइप में है स्पोर स्पोर। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है स्पोर, क्या लगा है स्पोर, ये क्या लगा है स्पोर, ये क्या लगा है स्पोर, ये क्या लगा है, ये क्या लगा है ये। तो एग्जाम में कोई पूछेगा तुमसे कि निम्नलिखित में कौन स्पोर टाइप का है और उसमें स्पोर लगा रहे तो क्यों पूछेगा, तो आपसे क्या पूछेगा केवल स्टार क्रिमसॉन किस टाइप की वेराइटी है, स्पोर टाइप का, बाकी तो सब में लगा हुआ है स्पोर, तो वो छोड़ देना तुम। कौन कौन याद रख लेना जो लाल किया हो, स्टार क्रिमसॉन और कौन है रेड, दो तो याद कर लोगे। अगला इधर स्टैंडर्ड टाइप में पूछेगा तो बाकी सब किस में आ जाएंगे बताओ, स्टैंडर्ड, नहीं भी याद करे तो छोड़ दे भाई, स्टैंडर्ड नहीं याद करना, केवल याद कर लेना स्टार क्रिमसॉन कैसा है स्पोर, रेड चिप कैसा है स्पोर, बाकी कुछ भी पूछा जाए वो कैसा है स्टैंडर्ड, कैसा है स्टैंडर्ड। तो वेराइटी ऐसे याद करोगे तो होंगे, नहीं तो मस्त रहना। एस सी ए वी कैसा प्रकार है बताओ, स्कैब रेसिस्टेंट वेराइटी, इसमें से एक दो आप याद रख सकते हो, फिर डॉस यहां मैंने रेड कर दिया, रेड वाले आप याद कर लेना, सरप्राइज ये सब, फ्लोरिना, लिबर्टी और फ्रीडम, ये पांच वेराइटी है जो कैसा है स्कैब रेसिस्टेंट। अब वेराइटी में टीचर क्या करूंगा, तुम्हें पढ़ना है तो लिख लेना, नहीं पढ़ना है तो छोड़ देना इसको। ग्रीन इंग्लिश वेराइटी देखो ऐसा हरा वाला सेब, इसमें केवल याद रखना वाल्डविन, हरे हरे वाला सेब, उसमें थोड़ा इमेज में कम दिख रहा होगा, हाँ अब ये सही आ रहा है, ऐसे किया करना नारो बेचारा परेशान होते वहां, मुझे नहीं दिखाओगे तो चलेगा, अब मत दिखाओ अभी। लो चिलिंग वेराइटी कैसी वेराइटी है, लो चिलिंग, तो लो चिलिंग में रेड किया हुआ है माइकल, स्कॉमिट, ट्रॉपिकल ब्यूटी, वेरेड, नियोमी, ये सब सारे क्या है बताओ लो चिलिंग वेराइटी। तो इसको आप लिख लेना, केवल लाल लाल वाले आप लिख लेना, जिसको चिलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है जानते हो, 1800 घंटे, बस इससे भी कम, जबकि शुरू में मैंने बोला था चिलिंग का रिक्वायरमेंट कितना था 1000 से लेकर कितने घंटे तक, इतना। तो ये सब पूछेगा लो चिलिंग, तो बताओ ये अच्छा चीज है ना, कि इसको क्या चाहिए डोरमेंसी के लिए, कम ठंड में ही उठ जाते हैं ये, तो लो चिलिंग वेराइटी। तो यह आप एक दो ट्रॉपिकल ब्यूटी जो प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना। अब हाइब्रिड वेराइटी में देखो कौन कौन है, लाल अंबरी, सुनहरी, चौबतिया प्रिंसेस, चौबतिया अनुपम, ये अम्ब्रेड, अम्ब्रिज, अम्ब्रोइल, ये तीनों जो है ना ये हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, चौबतिया वाला जा जाए उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, और लाल अंबरी और सुनहरी जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। लाल अंबरी और सुनहरी ये दो तो याद रखना आप, बाकी आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। अम्ब्रिड वाले ये सब, अम्ब्रिज वाले ये कहां की है, हिमाचल प्रदेश की, किसकी है हिमाचल, पर आप दो तीन नाम लिख लेना जहां मैं टिक कर रहा हूं, बाकी आप छोड़ देना। पोलिनाइजर वेराइटी कौन है जो पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, डेलेसियस ग्रुप का जो पोलिनाइजर, कितने प्रतिशत मेल प्लांट चाहिए ये आप लिख लेना, 11 से 30%, कहीं कहीं 33% भी लिखते हैं, 11 से 30, 11 से 33। मोस्ट पोलिनाइजिंग कल्टीवर्स कौन है जो पोलिन ग्रेन देता है, रेड गोल्ड, गोल्डन डेलिशियस, मैक क्लिंटॉस, ये तीन नाम याद रख लेना। एक और कौन है, विंटर बनाना, भाई जो लाल किया हूं वो तो करना, थोड़ा सा दिखाना स्लाइड को, जो मैं लाल किया हूं वो आपको आना चाहिए। मेजर डिजीजेज चलो निपटा ही देता हूं, 5 मिनट अखिल सर को और रोक लेता हूं, काम ही हो जाएंगे। मेजर डिजीज की बात करें तो वो कौन है, एप्पल स्कैब, किससे होता है, बेंचूरिया इनेक्युलिस से, ये एक्चुअल में क्या है, फंजाई है, आपको ये पूछेगा यहां से इंपॉर्टेंट। अब ये इमेज आप देखें, जरा दिखाना सर इमेज, दिखा रहे हो ना, ये किसका है, स्कैब का, सबसे घातक अगर बीमारी पूछा जाए तो वो कौन पूछेगा आपसे, स्कैब, ये आपको स्टार लगा के, डिजीज आपको स्टार लगा के लिख लेना है, चाहे आप वेराइटी छोड़ देना, 5-10 वेराइटी जो मैंने लिखाया वो लिख लेना, लो चिलिंग कौन है, स्केब के लिए रेसिस्टेंट कौन है, पोलिनाइजर के लिए कौन है, बस उतना लिख लेना, बाकी मिड कौन है वो सब छोड़ देना, लेट उट कौन है। अगला है पाउडरी माइल्ड्यू, ये भी किससे, फंगस से होगा, सूडोस्फेरेल।
ल्यूकोट्रेका इनसे होते हैं। देखो पत्तियों पे पाउडर पाउडर के जैसा जो जमे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाउडरी मैल्डो, फंगस से होगा, कवक से। ग्लियोस्पोरियम रॉट, नाम से ही पता है, ग्लियोस्पोरियम एल्बम, तो ये भी क्या है, फंजाई है। क्या है ये, फंजाई। रॉट इस तरह के सेब सड़ जाएंगे। कॉलर रॉट, कॉलर और फुट रॉट, जब भी पेड़ ऐसा है तो कॉलर जमीन से ऊपर होगा, यहां पे सड़ जाए। देखो जड़ से ऊपर ये भाग सड़ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर। और कॉलर रोट करने वाला है पाइथोपथोरा। कौन है, पाइथोपथोरा। और ये भी क्या है, अपना कवक है। क्या है, कवक, फंजाई। सारे फंजाई के द्वारा बीमारी हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्केब याद रखना है। कैंकर की बात करें, कैंकर इंपॉर्टेंट है। कैंकर भी होता है किससे, फंगस से। और फंगस का नाम है नेक्टेरिया गैलिजेना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, फंगस। फायर ब्लाइट आया हुआ प्रश्न है, फायर ब्लाइट किससे होता है, इरविनिया एमाइलोवोरा से। किससे होता है, इरविनिया एमाइलोवोरा। आपको पैथोलॉजी में भी ये सर पढ़ाए होंगे, एप्पल का डिजीज। फिर भी अपन एक बार इसका क्या कर लिए, थोड़ी सी रिवीजन कर लिए। सभी इमेज आपके सामने ऐसे दिख रहा है, केवल नाम होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें मेरे डियर, तो यहां से एक डिसऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, इसका नाम क्या है, स्कैल्ड। और स्केल्ड जो है, आप जानते हो, भंडारण में सबसे ज्यादा ये लगता है, इसे हम स्टोरेज डिसऑर्डर के भी नाम से जानते हैं। अगला हमने बात किया बीटर पिट। किसकी बात किया, बीटर पिट जो होता है आप जानते हो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, बीटर पिट। एक और इसमें छूट गया जो मैं लिख लेता हूं, फ्रूट क्रैकिंग। क्या है, फ्रूट क्रैकिंग, CRACKING। आप जानते हो सभी जगह फ्रूट क्रैकिंग बोरॉन की कमी के कारण होता है, लेकिन एप्पल में होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। तो स्केल्ड, फ्रूट क्रैकिंग, बीटर पीट कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण। मोस्ट अफेक्टेड वेराइटी कौन है जो बीटर पीट से प्रभावित है, गोल्डन डिलीशियस और एलो न्यूटन। कौन है ये, आपका बीटर पीट, गड्ढा गड्ढा जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बीटर पीट। तो कई डिटेल में आपको इंटरनल ब्राउनिंग की बात करें, बी फॉर ब्राउनिंग, बी फॉर बोरॉन, और ये बोरॉन की कमी से होते हैं। और ये जो वेराइटी है एलो न्यूटन जो वेराइटी है, सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड वेराइटी की अगर नाम पूछा जाए तो उसका नाम क्या है मेरे डियर, एलो न्यूटन। ब्राउनिंग का मतलब इस तरह से एप्पल में ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर, और किसकी कमी के कारण, मैंने बोला बोरॉन की कमी के कारण। अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करें, रिवीजन की बात करें, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्केल्ड, क्रैकिंग कैल्शियम की कमी के कारण, बीटर पीट कैल्शियम की कमी के कारण। सबसे ज्यादा अफेक्टेड बीटर पीट के कौन सी वेराइटी है, गोल्डन डिलीशियस और एलो न्यूटन। और अगला हमने बात किया इंटरनल ब्राउनिंग जो बोरॉन की कमी के कारण होते हैं। अब हम इससे बात करेंगे, केवल दो पेस्ट की बात करते हैं, और ये पेस्ट आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं, सेंट जॉर्ज स्केल। इसका नाम आप ध्यान में याद रख लेना, क्या है, डायस्पीडियोटस परनीसियोसस। गॉट, इसकी जो एंट्री हुई थी इंडिया में वो कहां से हुआ है, फ्रांस से। तो डायरेक्ट प्रश्न ये पूछेगा, सेंट जॉर्ज स्केल जो है वो कहां से आया था भारत में, फ्रांस से आया। कहां से आए हैं बताओ, फ्रांस से। ये इमेज आप इसका देख सकते हो, ये मेल है और ये कौन है, फीमेल। तो आप कीट का इमेज देख लें। दूसरा जो हम कीट की बात कर रहे हैं वो है उली एफिड। कौन है, उली एफिड। ये जो इमेज आपका दिख रहा है ना, ये है उली एफिड। लेकिन इस एफिड को खाने वाला खाता कौन है भाई, एफिलिनस मैली। कौन है भाई, एफिलिनस माली। तो ये क्या, कैसा है, प्रीडेटर है, जो किसको ईट करेगा, ये खाता है इसको। किसको खाता है बताओ, खाता है किसको, उली एप्पल एफिड को। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, चाहे इसका इरोसिमा साइंटिफिक नेम पूछ ले, कौन है बताओ, एफिलिनस माली। ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई उली एप्पल एफिड जो है सेब का सबसे घातक जो है पेस्ट, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो ये याद रख लेगा, कर लोगे याद, ये इसको क्या करता है, कंट्रोल। रिप्स में दर्द हो गया हमारे लगातार बोलने से, लेकिन पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अखिल सर थोड़ा सा आप रेस्ट करें, अभी अब खत्म ही कर देता हूं। कुछ की पॉइंट आ जाते हैं, तीन चार की पॉइंट है। रेड डिलीशियस मोस्ट पॉपुलर वेराइटी, तो भाई साहब ये तो आपको याद ही करना है किसी भी एंगल से। लाल लाल सेव याद रखोगे, इंडिया में सबसे फेमस वेराइटी अगर पूछा जाए, मदर ऑफ ऑल डिलीशियस पूछा जाए, तो कौन नाम है बताओ,
रेड डेलिशियस, इनका नाम तो कैसे भूल जाओगे। तो ये जो डेलिशियस ग्रुप है, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डेलिशियस ग्रुप जो वेराइटी है वो कैसा होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबल, आपस में कंफर्टेबल नहीं है। और ये होते हैं क्रॉस पोलिनेटेड। कैसे होते हैं बताओ, क्रॉस पोलिनेटेड। बताओ डेलिशियस वेराइटी कैसा होता है, सारे आपस में कंफर्टेबल नहीं है। और ये कैसे होते भाई, कंफर्टेबल नहीं हो तो जरूरी है कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जो इंग्लिश वेराइटी था, हरा हरा वाला सेब, कौन सा सेब, हरा वाला जो सेब था, ये कैसे होते हैं बताओ, सेल्फ पोलिनेटेड। और इसी का लिया जाता है ज्यादातर का पोलेन ग्रेन। क्या लिया जाता है, पोलेन ग्रेन। यानी एक एज कैसा यूज होता है, पोलिनाइजर। किसके लिए पोलिनाइजर का उपयोग करेंगे बताओ, डेलिशियस, क्योंकि ये कैसा है, क्रॉस पोलिनेशन। ये अपने पोलेन ग्रेन को तो आने नहीं देगा, तो इस पे भाई आने नहीं देता है, तो इसको चकमा देके इसका वाला पोलेन ग्रेन, इसका वाला इंग्लिश वाले का पोलेन ग्रेन किस पे डालते हैं, डेलिशियस वाले पे। किस पे डालते हैं, चलो भाई कुकिंग टाइप छोड़ देना, ये रेड गोल्ड एक्ट एज पोलिनाइजर। किसके लिए, रेड डेलिशियस। भाई रेड डेलिशियस देखने में अच्छी है, लेकिन आप डेलिशियस देखने में क्या है, अच्छा है। डेलिशियस ग्रुप कैसा होता है, सेल्फ पोलिनेटेड। कैसा है, सेल्फ पोलिनेटेड। तो रेड गोल्ड एक्ट एज ए पोलिनाइजर फॉर किसके लिए, रेड डेलिशियस। देखो अमरी फिर आ गया, कैसा है, इंडिजीनियस। सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, कहां उगाया जाता है, करवा दिया हूं या नहीं। राइमर कहां की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, करवाया था। ट्रिप्लॉइड जो होगा वो कौन कौन नाम है, वाल्ड बीन, और क्या है, मुटसू। ये कौन कैसी वेराइटी है, ट्रिप्लॉइड, एप्पल की ट्रिप्लॉइड। एक और रूट स्टॉक का नाम याद करवा रहा हूं, नॉर्दर्न स्प्रे। ये किसके लिए रेसिस्टेंट है बताओ, उली एप्पल एफिड के लिए, 3 स्टार। इसको लगा करके भी सम्मानित करना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। रूट स्टॉक ससेप्टेबल नॉर्दर्न स्प्रे किसके लिए है, उली एप्पल एफिड के लिए रेसिस्टेंट रूट स्टॉक है। सीड स्ट्रेटिफिकेशन, आया हुआ प्रश्न सारे की पॉइंट में दिया हूं, 4 से 7 डिग्री पे। बोटनिकल एप्पल फ्रूट जो होते हैं वो कैसा होता है, फॉल्स। इसको क्या बोलोगे, पोम। कौन सा भाग इसका खाते हैं बताओ, थैलेमस। कौन सा भाग खाते हैं, थैलेमस। और बताओ मेन एंसिस्टर कौन है, तो इसका एंसिस्टर है एप्पल का, मैलस डोमेस्टिका का, मैलस सिल्वेस्ट्रिस। कौन है बताओ, मैलस सिल्वेस्ट्रिस। अगला थॉमस एंड्रयू नाइट, वैज्ञानिक का नाम है, फिर से बोलिए, थॉमस एंड्रयू नाइट। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्स्ट कल्टीवर्स बनाया, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। क्या है बताओ, फर्स्ट कल्टीवर का नाम क्या है, परसेंटेज। कौन बनाया था, थॉमस एंड्रयू नाइट। अगला लाल अंबरी सुनहरी डेवलप, सबसे पहला 1956 में डेवलप किया गया था, कहां से, क्योंकि भारत की वेराइटी है। तो फ्रूट रिसर्च स्टेशन श्री शालीमार कहां है, जम्मू एंड कश्मीर। कई बार यही पूछेगा, ये अंबरी कहां की वेराइटी है, सुनहरी कहां की वेराइटी है, अंबरी और सुनहरी कहां की वेराइटी है। लास्ट पॉइंट, जो डिप्लॉइड होगा उसमें फ्रूट सेट होंगे, ट्रिप्लॉइड होगा उसमें फ्रूट सेट नहीं होंगे। क्रेव एप्पल जो होता है उसका नाम मैंने, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ये वाले, आपने देख रहा है रूट स्टॉक, ये कौन सा एप्पल, जरा सर दिखाना इसको इमेज को, इसे हम कहते हैं क्रेव एप्पल। कौन सा एप्पल है, क्रेव एप्पल। गोल्डन डेलिशियस एंड रेड गोल्ड कॉमनली यूज होता है पोलिनाइजर, 3 बार लिख दिया हूं, गोल्डन डेलिशियस एक ही पे और रेड गोल्ड, इसका उपयोग होता है पोलिनाइजर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, सारे जो एमएम सीरीज का रूट स्टॉक है, उली एप्पल एफिड के लिए क्या है, रेसिस्टेंट। फूलों का कलर कैसा होता है, सफेद। अंतिम पॉइंट पे आ गया हूं, एप्पल जो है 55% एरिया और 75% टोटल प्रोडक्शन जो कर रहा है टेम्परेट फ्रूट का करते हैं। सबसे ज्यादा टिपिकल टेम्परेट फ्रूट कौन है, सेब है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। करवा चुका हूं या नहीं लिखोगे चलेगा। कितना प्रतिशत पोलिनाइजर अभी करवाया था, 11 से 33% क्या होना चाहिए पोलिनाइजर। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप मैंने करवा दिया था, ड्यू टू एप्सिसिक लेयर के कारण होता है क्या, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। सिडार किससे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन वाइन है जो किससे बनाया जाता है बताओ, एप्पल से। किससे बनाया जाता है, एप्पल। और सबसे ज्यादा अगर लीडिंग स्टेट है उत्पादन में तो कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन है, जम्मू एंड कश्मीर।
ये एफएसओ का पूछा गया है प्रश्न आपके एफएसओ एग्जाम में, एपोमेटिक क्लोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो पूछा था कि ये रूट स्टॉक किस में पाए जाते हैं, तो एप्पल में पाया जाता है, उसका नाम याद रखना मेलस सिकिमिनेंसिस। ठीक है, मेलस फ्लोरिवेंडा जो है रेसिस्टेंट है किसके लिए, एप्पल स्कैब के लिए, और बी एफ मोस्ट कॉमन इंट्रोड्यूस जीन है किसके लिए, एप्पल स्केप। तो एप्पल स्केप के लिए देखो यहां से दोनों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट लिख दिया। एमएम सीरीज किसका किसका क्रॉस है, एम सीरीज और नॉर्दर्न स्प्रे का क्या है, क्रॉस है। तो ये काफी डिटेल आपको लिख दिया हूं, काफी डिटेल, 8-10 बुक का जितना सारे मैटर हो सकता है मैंने दे दिया, आप इसको बना लेना। 60 पेज का ये स्लाइड मैंने 60 में बनाया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज एप्पल 5 पेज में कंप्लीट होनी चाहिए, सब मिला के आपके 100 पॉइंट आना चाहिए किसमें, एप्पल। कितना आना चाहिए, 100। एप्पल के अलावा बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे टेम्परेट फ्रूट चलेगा, लेकिन पढ़ा दूंगा एप्पल, आप ध्यान रखना एप्पल। ठीक है डियर, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।